नमस्ते एवरीवन, आज मैंने जो भी वीडियो पोस्ट किया था उसका टाइटल था बच्चों को संस्कार दे सुविधाएं दे। उसमें काफी मैंने डिटेल डिस्कशन किया था और आज इस वीडियो में मैं सभी बच्चों को सभी विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ कि हम अपने साइंस सब्जेक्ट का यूज करके किस तरह से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए नहीं जा सकते हैं उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते या उनका कंपटीशन में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे। केमिस्ट्री में हमने कितना कुछ पढ़ा है। केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हमारा डेली लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री का यूज होता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल की सिंथेसिस है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, सोप के बारे में हमने पढ़ा है, बकेट कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स हैं। तो हम किसी भी प्रकार के केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट स्कूल में, डिफरेंट लैब्स में। तो ये करने का जरिया बन जाता है, जैसे कि ई मर्क और सिग्मा एक ऑथराइज कंपनी है जो कि पेरिस लैब में केमिकल्स को की सप्लाई करती है। तो केमिस्ट्री में हम और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, और आप लघु उद्योग के बारे में सोच सकते हैं जैसे कपूर है, रुई बत्ती कैसे बनाना है, और ये सब इन सब जगह हम ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गांव की स्त्रियां होती हैं जो कि ये सब चीजें बनाती हैं, इसको लघु उद्योग कहते हैं। तो किसी भी चीज को बनाना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, कुछ सेटअप लगाना पड़ता है, मशीनें खरीदने पड़ती हैं, कुछ एम्प्लॉयज को रखना पड़ता है, फिर उनको सैलरी देनी होती, तो इसके लिए हमें करीब कुछ लाख रुपए की आवश्यकता होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्केल पर कार्य कर रहे हैं, और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तो आसान होता है, लेकिन मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट हम जब लॉन्च करते हैं तो उसकी उसका प्रोडक्शन उसकी सेल कैसी होगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं और हमें कंपेटिटिवली उससे कुछ अधिक अच्छी क्वालिटीज को शो ऑफ करना होगा जिससे कि वो सामान जो है वो बिक सके। अब जैसे हम केमिस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं, सोप कैसे बनाते हैं, हम सर्फ कैसे बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, फिनोप्लिन, हमने ओर एक्सट्रक्शन के बारे में पढ़ा है कि एल्यूमिनियम को कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं बॉक्साइट ओर से, हम गोल्ड के बारे में हमने पढ़ा है, हमने आयरन के बारे में पढ़ा है। आज देखिए डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स बनती है, उसमें सरिया बनाई जाती है, डिफरेंट टाइप के सीमेंट कैसे, आप सीमेंट को ले लीजिए, सीमेंट कैसे बनेगी, वो सब हमने सारा कुछ हमें केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब बकेट कैसे बनानी है, कास्टिंग कैसे करते, ये सारी चीजें हमें केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने अर्निंग के लिए। तो यूजली क्या होता है कि इंसान सोचता है सेटअप लगाएंगे, उसके लिए पैसा हो चाहिए, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, हेल्पर रखने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि कहीं पे ऑलरेडी सेटअप हो, हम वहां पे जाएं और जॉब कर ले और हमें डायरेक्ट सैलरी मिलने लग जाए। तो एक इनहिबिशन होता है, एक ये इनहिबिशन पॉइंट होता है कि हम सोचते हैं कि क्यों इतना कुछ करें और क्यों ना हम डायरेक्ट जॉब में चले जाएं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं और धीमे धीमे बिजनेस ग्रो करने लग जाता है। एक बार बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए तो फिर कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। अब हम एक पेपर बैग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज हर मार्केट में शॉप है और शॉप में जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हमें कैरी बैग दिया जाता है। कैरी बैग 5 रुपए का भी होता है, 10 रुपए का भी होता है, 15 रुपए का, डिपेंड करता है किस तरह की क्वालिटी है। अब डिफरेंट टाइप के एनवेलप, एनवेलप पे देखिए ऐसे कितने तरह के डिजाइन होते हैं। आप मिठाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, जितनी भी अच्छी शॉप्स होती है मिठाई की, वहां पे देखिए मिठाई के बॉक्सेस कितने डिजाइनर बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, तो हम उसको बनाने का सोच सकते हैं। प्रिंटिंग के बारे में सोच सकते हैं, आप प्रिंटिंग मशीन खरीद लीजिए, प्रिंट करिए, ये सब कुछ हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो आज मैं सब बातें क्यों कर रही हूँ, आज मुझे लगता है कि मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया था, मेरा एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में था, मेरी केमिस्ट्री भी
जो है केमिस्ट्री बेस्ड थी, लेकिन मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं कि मैं इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करूँ। और मैंने क्यों नहीं सोचा, नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट। मैंने सोचा पीएचडी कर लेंगे, फिर पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट वर्क ही मैं करती रही, फिर उसके बाद मैं हाउस वाइफ फैमिली अपनी देखती रही, तो मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा। तो मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी और मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद भी है, क्यों नहीं मैंने टीयर गैस बनाई, क्यों नहीं मैंने लाफिंग गैस बनाई। तो आज मुझे इस बात का ये रियलाइजेशन होता है कि इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी मैंने क्यों नहीं एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने एक बार सोचा क्यों ना पेपर बैग बनाएंगे, तो एक छोटा सा सेटअप लगाएंगे, और मैं ये काम शुरू ही करने वाली थी और सब कोविड हो गया, तो कोविड के बाद फिर मैं कर ही नहीं पाई। तो मेरी लाइफ में कुछ इसी प्रकार से है कि मेरा इसे दुर्भाग्य या बैड लक है, मैं जो भी प्लान करती हूँ मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और फिर मैंने सोचा कि कुछ मैं वीडियोज इसमें डालूंगी, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं यूट्यूब के थ्रू जो है मेरी अर्निंग होगी। और मैंने ऑलरेडी सोचा था कि मैं एक एसोसिएशन स्टार्ट करूंगी जहां पर मैं आध्यात्मिक स्टडीज के बारे में लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी। तो ये सारी प्लानिंग्स होती है। तो यही कहा जाता है कि इंसान की किस्मत में जो होता है वही होता है, और लेकिन ये रहता है कि हमें अपना फुल एफर्ट देना चाहिए, हमें अपनी पूरी तरह से हमें कोशिश करना चाहिए, आगे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स में जैसे आप साइकिल पार्ट्स हैं, आपकी मोटर्स हैं, फैंस हैं, कूलर है, एसी है, पिस्टन्स हैं, हवा भरने की मशीन है, ऑल आर बेस्ड ऑन द फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे रेल की पटरी कैसे बनाई जाती है, रेल की पटरी के बनाने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कि रेल की पटरी में एक्सपेंशन होता है तो उसमें स्पेस दिया जाता है। तो हमने कितना कुछ पढ़ा है फिजिक्स में, तो उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने फंगल स्टडीज के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, तो हम किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर काम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना सीख लें तो हमारी जॉब लग सकती है। और हम बॉटनी हमने पढ़ी है, बॉटनी में डिफरेंट टाइप के कल्चर के बारे में हम सोच सकते हैं, बनाना कल्चरिंग के बारे में हम छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हैं, नर्सरी एक खोल सकते हैं, प्लांट की सप्लाई कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हम कभी इस डायरेक्शन में सोचते नहीं है। तो आज मेरा ये वीडियो उन्हीं सब विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हायर स्टडीज तो सोची सोची है, और कुछ लोगों के पास पैसों की दिक्कतों के कारण या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं घर की जिसके कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके, तो वो इस तरह से सोच सकते हैं। आप जैसे सपोज अगरबत्ती है, कपूर बनाना है, रुई बत्ती बनाना है, ये छोटे छोटे लघु उद्योग, इनको लघु उद्योग कहते हैं, जहाँ पर हम गांव की औरतों को काम पे लगा सकते हैं, जो जगहों की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। पापड़ बना लिया, मूंग की बड़ी बना ली, तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, प्लान ऑफ वर्क बनाना पड़ेगा, कुछ हमें कुछ हमारा बजट होगा, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम कुछ काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप लोग कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। और जैसे आप सपोज मसाले कर लीजिए, देखिए अशोक एक बहुत ही पुरानी कंपनी थी जो मसाले बनाती थी, तो उसके बाद एवरेस्ट आई और भी बहुत सी कंपनियां आई, तो हम कुछ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब हम जैसे मेथी है, जीरा है, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के बारे में सोच सकते हैं, और एक अपनी कंपनी का टैग लगा के उसको मार्केट में मतलब बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हम कभी इस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं हैं। तो हम मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सोचें और कुछ ऐसा बनाएं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारी धरती स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें, हम भी खुश रहें, और हमारी धरती माँ फिर से धरती माँ में हरियाली छा जाए। फिर से मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियोस को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें। मैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।